ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, बीजेपी के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि अनुराग ठाकुर की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें इंदौर से, तो इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी जीत चुके हैं। वहीं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की भी जीत हो चुकी है। बीजेपी के लिए ये बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। 5 लाख से ज्यादा मतों से शिवराज सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं खजुराहो से वीडी शर्मा भी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से वीडी शर्मा ने चुनाव में जीत दर्ज की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी से अनुराग ठाकुर ने ये बड़ी जीत दर्ज की है। हमीरपुर भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ी सीट मानी जाती है। इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी जीत दर्ज कर चुके हैं और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान भी अब लोकसभा चुनाव का जो फतह था वो किला जो था वो फतह कर चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा मतों से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। वहीं खजुराहो से वीडी शर्मा चुनावी मैदान में थे और बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से वीडी शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी के लिए ये बड़ी अच्छी खबर मानी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ये काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच कई हॉट सीट्स पर बीजेपी की एक तरफा जीत देखने को मिल रही है। इंदौर से भी बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की भी जीत सामने आई है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 5 लाख से ज्यादा मतों से शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत चुके हैं। वहीं एमपी की अगर बात कर ले तो 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का जो परचम है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से वीडी शर्मा जीत चुके हैं। वहीं हमीरपुर की अगर बात कर ले तो अनुराग ठाकुर ने भी हमीरपुर सीट से जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां एनडीए के खाते में ये सीटें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त एनडीए के खाते में 298 सीटें हैं, तो वही इंडिया अलायंस 225 सीटों के साथ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है जहां लगातार कई हॉट सीट्स पर बीजेपी की एक तरफा जीत देखने को मिल रही है। खजुराहो से वीडी शर्मा की बड़ी जीत ये मानी जा रही है। करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने खजुराहो सीट से जीत दर्ज की है। वहीं विदिशा सीट की बात कर लेते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने भी आज से जीत दर्ज की है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान को फतह करते हुए नजर आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में ये हमीरपुर सीट से जो बीजेपी की जीत है ये काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी के पक्ष में ये रुझान आ रहे थे और अब ये स्थिति साफ हो गई है कि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने चुनावी जो किला था उसको फतह किया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। 5 लाख से ज्यादा मतों के साथ शिवराज सिंह चौहान जीत दर्ज करते हुए नजर आए।